मतलब भाई एटलेटिको मड्रिड हैव वन देयर फर्स्ट ला लीगा मैच अगेंस्ट रियल मड्रिड आफ्टर 2016 कितने साल हो, 6 साल हो गए, 6 साल से एक भी मैच नहीं जीती रियल मड्रिड, उसके बाद जाकर अब जीती है। सो मतलब हमने मैच में देखा कि एटलेटिको मड्रिड डोमिनेट करी जा रही है, रियल मड्रिड कुछ कर रही नहीं है, और उसके ऊपर से मैंने स्टोरीज देखी, मैंने पोस्ट देखी, रियल मड्रिड को हो क्या गया है। ये रियल मड्रिड को कुछ नहीं हुआ था, ना ही एटलेटिको मड्रिड बहुत अच्छा खेल रही थी, बात ये था कि एटलेटिको वांटेड द विन मोर, क्योंकि हमने हमें पता है भाई रियल मड्रिड जीत चुकी है ला लीगा, कांग्रेचुलेशंस, बट रियल मड्रिड जीत चुके ला लीगा, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था इस मैच में, वो सिर्फ आए अपना काम किया, मतलब जाके खेलते जरा बच्चे लोग को मिनट देते हैं, वो कार्लो अंचेलोटी बच्चा बच्चे लोग खिजा खेलो बच्चे लोग को मिनट देते हैं, और दिया उसने बच्चे लोग को मिनट्स, और उसके बाद भाई दिख ही रहा था मतलब एटलेटिको मड्रिड जाए जा रही है, मारा जा रही है उधर शॉट, एटलेटिको मड्रिड को ना मेरे हिसाब से पहले ही मैच खत्म कर देना चाहिए था, इतना टाइम लगाया उन्होंने, मतलब एक पेनाल्टी की वजह से, नहीं तो फिर वो भी नहीं होता था मेरे हिसाब से, इतना टाइम लगाने के बाद उन्हें एक पेनाल्टी मिली, फिर जाकर उन्होंने स्कोर किया, पहले ही कितने सारे चांसेस थे एटलेटिको मड्रिड के पास, वो स्कोर कर लेते पहले ही जीत जाते, बट इन्होंने भी हगना शुरू कर दिया, ना इन्होंने अपने चांसेस कन्वर्ट किए, तो ये वैसे ही सीन हो गया। और रियल मड्रिड ऑन द अदर एंड भाई उन्होंने नहीं दिख रहा था, मैं तो बोल रहा हूँ एटलेटिको वांटेड द विन मोर, क्योंकि भाई टॉप फोर के स्टेक्स जगह पर लगे हैं, टॉप फोर के लिए वो अभी नीचे के एक दो दो बाकी है, मतलब तीन जन रन रहे उसके लिए, नीचे के दो बाकी है, तो उसके लिए अगर एटलेटिको मड्रिड को भाई ये सीमेंट करना है तो ये मैच जीतना बहुत जरूरी था, और अगर ये मैच नहीं जीत पाते तो भाई बहुत तगड़ी इनकी लग जाती भाई, बहुत गंदी वाली लग जाती, क्योंकि नीचे से वो सेविल और बेटिस पकड़ के ही रखे हैं इन्हें, तो अगर ये अगर कहीं ना कहीं ये ड्रॉ भी हो जाता या ये हार जाती तो इनका मुझे नहीं लगता कि सिमियोने क्या ही कर लेता फिर, मतलब यूरोपा लीग में खेलना पड़ता सिमियोने को, जो भी हो, बट ओवरऑल भाई मैच एटलेटिको मड्रिड की तरफ रहा ऑल डे लॉन्ग, मतलब जब भी खेल रहे थे एटलेटिको मड्रिड रियल मड्रिड के सामने लग रहा था कि बंदे लोग जीतने के लिए आई है, और भाई वो कर भी रहे थे वैसे काम, तो ये की था कुछ शॉर्ट रिव्यू, और इसमें वो जानने जैसा नहीं था, मतलब क्या टेक्टिकल रिव्यू करोगे, एंसेलोटी ने बच्चों लोग को उतारा था मिनट्स देने के लिए, उसे पता है भाई हम तो जीत चुके हैं, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाते हैं हम चैंपियंस लीग में वहां पर खेलेंगे, तो इसमें कुछ ये ना ही कुछ ऐसे मड्रिड फैंस को गुस्सा होने की बात है, ना ही मतलब कुछ ये करने की बात है कि यार ये हार गए यार गए, चिल करो तुम लोग ला लीगा जीत चुके हो, और भाई एटलेटिको मड्रिड को जरा खुश होने दो, तुम लोग समझ रहे हो जरा, तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट एंड जय हिंद।